हेलो बच्चों, एक न्यू क्वेश्चन के साथ मैं फिर से आपके सामने हूँ। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इफ द पॉइंट पी के कॉमा जीरो डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए 2, -2 एंड बी -7, 4 इन द रेशियो 1:2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ध्यान से देखो, सबसे पहले हमें इंटरनल डिवीजन के बारे में समझना पड़ेगा होता क्या है, और जब क्वेश्चन में कुछ भी ना दिया हो तो हमें इंटरनल डिवीजन का ही कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले कॉन्सेप्ट को देखते हैं। ये मानो कि कोऑर्डिनेट ए और बी का कोऑर्डिनेट है x1, y1 एंड बी का कोऑर्डिनेट x2, y2 और ये पॉइंट पी, ठीक है, पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट x, y। तो पॉइंट पी क्या कर रहा है, ये ए बी सेगमेंट को, ठीक है ना, m:n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में, m:n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान से देखना बच्चों। याद करने का तरीका, x = आप ऐसे लिखो m+n डिवाइड बाय m+n, ओके। यहां लगा लो x2, यहां लगा लो x1, ये रहा x के लिए, और y के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट ऐसे ही लगाना। ये m+n डिवाइड बाय m+n, यहां y2, यहां y1, ये इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला है, ओके। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से देखना, यहां पर क्या दिया गया है क्वेश्चन में, जो डाटा दिया गया है, ए का कोऑर्डिनेट गिवन है 2, -2, ये रहा 2, -2 एंड बी का कोऑर्डिनेट गिवन है -7, 4 और यहां पर आपका पी का कोऑर्डिनेट है k, 0, ओके, और रेशियो है 1:2, ये रहा मेरा 1 और ये रहा मेरा 2। ध्यान से देखो, तो ये m का वैल्यू हो गया मेरा, ये m = कितना हो गया 1 और ये n = कितना हो गया मेरा 2, ओके। अब फॉर्मूला में हमें पुट करना है, ध्यान से देखें, तो ये रहा x = ये रहा mx2 + nx1 डिवाइड बाय m+n, ठीक है ना। x का कोऑर्डिनेट कितना, ये रहा k, m का कितना 1, x2 का कितना है बच्चों -7 और प्लस n का वैल्यू कितना है 2, x1 का कोऑर्डिनेट कितना है 2 और डिवाइड बाय कितना 1 + 2। ध्यान से देखो, ये रहा मेरा, ये k = कितना मिला 1 × -7, तो -7 और 2 × 4, तो -7 और यहां से देखो ध्यान से -7 और प्लस का 4 डिवाइड बाय कितना 1 + 2, ये रहा मेरा 3। तो यहां से क्या मिला हमें, ध्यान से देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3k = और -7 में से और ये प्लस का 4 ऐड करेंगे तो -3, देन यहां से ध्यान से बच्चों देखो -3/3, तो आंसर कितना आया -1, ओके। तो k का वैल्यू कितना आया बच्चों -1। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं इसी चैनल पर आपको मिलूंगा, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।